प्रदेश के जबलपुर में चल रहे पंच कल्याणक में 7 मई को हुई प्रभु के ज्ञान कल्याणक की क्रियाएं भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में अष्ट द्रव्यों से प्रभु चरणों में समर्पित किए अर्घ। भक्तों ने श्री जी के अभिषेक शांति धारा कर की कार्यक्रम की शुरुआत। मुनिश्री की मंगलवाणी श्रवण करने का भक्तों को मिला सौभाग्य। 8 मई को मोक्ष कल्याणक के साथ हुआ पंच कल्याणक महोत्सव का समापन। परम पूजन निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ कार्यक्रम। आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ गढ़नियारी का श्री 105 विशुद्धमती माता जी सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश। हरि पर्वत स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पधारा संघ। माता जी संघ जयपुर हाउस जैन मंदिर से बिहार कर पहुंचा हरि पर्वत स्थित जैन मंदिर। इस अवसर पर भक्तों ने की भव्य अगवानी, माता जी की आरती उतार कर प्राप्त किया आशीर्वाद। भक्तों ने आरिका सत्संग की भव्य अगवानी कर माता जी का किया पाद प्रक्षालन। प्रवेश के उपरांत गुरु मां सत्संग ने जैन मंदिर में किए देव दर्शन। माता जी सत्संग के चरणों में आगरा दिगंबर जैन परिषद ने श्रीफल भेंट कर लिया आशीर्वाद। इस अवसर पर माता जी ने अपने मंगल प्रवचनों से किया उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन। मध्य प्रदेश के कटनी में हुआ 3 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम का समापन। कटनी स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 4 से 6 मई के मध्य हुआ कार्यक्रम। घट यात्रा निकालकर 4 मई को कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। याग मंडल विधान का भी किया गया आयोजन। श्री जी के अभिषेक शांति धारा के साथ प्रतिमा को किया गया वेदी में विराजमान। विश्व शांति महायज्ञ के साथ हुआ आयोजन का समापन। आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हुआ धर्म सभा का आयोजन। परम पूजनीय गढ़नियारी का श्री 105 विशुद्धमती माता जी ने भक्तों का किया मार्गदर्शन। परम पूज्य निर्यापक मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का मिला भक्तों को सानिध्य। धर्म सभा के दौरान भक्तों ने श्रवण की गढ़नी आरिका श्री 105 विशुद्धमती माता जी की मंगलवाणी, आरिका श्री 105 विज्ञमती माता जी की मंगलवाणी श्रवण करने का भी प्राप्त हुआ सौभाग्य। धर्म सभा के अवसर पर भक्तों ने माता जी के चरणों में समर्पित किया श्रीफल। माता जी संघ का पाद प्रक्षालन कर एवं शास्त्र भेंट कर प्राप्त किया आशीर्वाद। आगरा के शालीमार एनक्लेव स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चल रहा है श्री शांतिनाथ महामंडल विधान। 16 दिवसीय कार्यक्रम में सहभागिता कर भक्त कर रहे हैं मांगलिक क्रियाएं संपन्न। 1 मई से चल रहे श्री शांतिनाथ विधान का 16 मई को होगा समापन। विश्व शांति के लिए किया जा रहा है विधान का आयोजन। आचार्य श्री दया सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में लखनऊ चौक स्थित श्री 1008 नेमीनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हो रहा है 48 मंडल युक्त भक्तामर महामंडल विधान। इस दौरान स्थानीय जन समाज ने बढ़ चढ़ कर की विधान में सहभागिता। आचार्य श्री के पावन सानिध्य में भक्तों ने झूमते हुए व्यक्त की अपनी भक्ति। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में गढ़ाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर 1 व 2 मई को हुआ राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय सहित कई बड़े विश्वविद्यालयों के महान विद्वान एवं दमोह के एकलव्य विश्वविद्यालय के प्राकृत अध्ययन विभाग के प्रोफेसरों ने प्रस्तुत किए अपने अपने आलेख। संगोष्ठी में संस्कृत एवं प्राकृत स्तुतियों की हुई समीक्षा। सभी ने गढ़ाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज से ग्रहण किया आशीष। भगवान आदिनाथ एवं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ लोकार्पण। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की प्रेरणा से संचालित है दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला। 2500 वर्ग फुट के भव्य भूसा गोदाम का हुआ लोकार्पण। जयपुर के मालवीय नगर में आरिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी का विनोबा विहार में हुआ भव्य मंगल प्रवेश। भव्य शोभा यात्रा निकाल कर स्थानीय जैन समाज ने जय घोष के साथ की माता जी सत्संग की अगवानी। वर्तमान में 260 गायों का गौशाला में हो रहा है पालन पोषण। भविष्य में 500 गायों के पालन पोषण हेतु सुविधायुक्त बनाने का है मुख्य लक्ष्य। वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज सत्संग ने ग्राम निधौली कला से होते हुए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किया मंगल प्रवेश। आरिका रत्न श्री आदर्शमती माता जी, आरिका श्री दुर्लभती माता जी सत्संग मुंगावली से मंगल विहार करते हुए पहुंची पिपरे ग्राम। पिपरे जैन समाज ने की आरिका संघ की भव्य अगवानी।